आप गृह मंत्री जी एक 10 लाख का टारगेट दिया है, आपको कार्यकर्ताओं ने 10 लाख का टारगेट दिया है जिताने के लिए, कैसा कहेंगे गांधी ने सत्य कैसा लगा? देखिए, जीत का मार्जिन तो जनता तय करती है, मगर उत्साह देखकर मैं इतना कह सकता हूँ, हम गत चुनाव से बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। आमतौर पे आप अपने क्षेत्र में प्रचार करने नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं, आज पहला और आखिरी दिन है, कल नामांकन करेंगे। मैं वोट डालने जरूर आऊंगा चुनाव के पहले। वोट डालने तो आप हर साल आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है सर कि गुजरात में इस बार कैसा लग रहा है आपको फीजा? लोग कह रहे हैं क्षत्रिय थोड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक क्षत्रियों की नाराजगी का सवाल है, रूपाला जी ने हृदय से माफी मांग ली है। मैं मानता हूँ गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी गत चुनाव से ज्यादा बहुमत के साथ जीती। क्या आपने जो टारगेट रखा है, प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, उसमें उस ओर बढ़ता हुआ दिख रहा पूरा चुनाव, आप देश भर का भ्रमण करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह 400 पार का मूल। सर एक प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा, कल एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में और उसको लेकर वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, जिनका समय खराब होता है भगवान पहले उनकी मति हर लेता है। अगर नक्सलवाद पर कठोर कार्यवाही को कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है तो इससे ज्यादा निंदनीय काम क्या हो सकता है। नक्सलवाद उनके समय में फला फूला, एक तिहाई देश में बड़ा, मोदी जी के शासन में नक्सलवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1-2 साल में ही इस देश में नक्सलवाद पास्ट बन जाएगा, समाप्त हो। सर एक आखिरी सवाल, बस इस पूरे दौरे का, आज रोड शो का एक आखिरी सवाल, केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी गुजरात का दौरा कर रही है, लगातार प्रचार कर रही है, क्या कहेंगे आप इसको? केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात आकर प्रचार कर रही है लगातार। नहीं, हर एक नागरिक को प्रचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ जन सैलाब उपड़ा है और गृह मंत्री का स्वागत, आप दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। और गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे चरण में, तीसरे पारी में पूरी तरह से नक्सलवाद से खात्मा उसको कर दिया जाएगा, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। अमोद राय, TV9 भारत, गांधीनगर।